रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाए लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। भयू महाराज आत्महत्या मामला DVR खुला। घटना वाले दिन के फुटेज में उनके चेहरे पर नहीं दिखा तनाव। गुरुवार शाम को भयू महाराज की श्रद्धांजलि सभा में बेटी कहू और पत्नी आयुषी 3 फीट की दूरी पर बैठी थीं। दोनों ने एक दूसरे से नजर तक नहीं मिलाई। संत भयू महाराज ने मंगलवार को आत्महत्या की थी। महाराज ने सिल्वर स्प्रिंग स्थित घर में रिवॉल्वर कनपट्टी पर रखकर गोली चलाई थी, जो आर पार हो गई इंदौर। भयू महाराज 50 की आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने उनके सिल्वर स्प्रिंग स्थित घर से जब्त 10 CCTV का DVR डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर सिस्टम गुरुवार रात खोल लिया। DVR में 1 महीने के फुटेज मिले हैं। घटना वाले दिन महाराज कमरे में जाते दिखे। उनके चेहरे पर कोई तनाव नहीं था। इसमें परिवार के दूसरे लोग भी नजर आए। पुलिस ने सेवादारों और नौकरों के जो बयान लिए थे उनसे फुटेज का मिलान किया, लेकिन कोई असामान्य बात नहीं मिली। ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने तनाव की वजह से आत्महत्या की, क्योंकि उनकी बेटी और दूसरी पत्नी आयुषी के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे। कमरों में नहीं लगे हैं कैमरे। पुलिस को संदेह है कि घर में विवाद हुआ होगा तो वह कमरों में हुआ होगा, क्योंकि वहां कैमरे नहीं लगे हैं। महाराज के मोबाइल की कॉल डिटेल को लेकर भी पुलिस कई लोगों की CDR निकलवा रही है। DIG हरिनारायणाचारी मिश्र ने बताया पुलिस इन फुटेज के आधार पर और भी जानकारी जुटाने में लगी है। सुसाइड नोट और उनके द्वारा लिखी गई कुछ डायरियों की लिखावट की जांच एक सपर्क से करवाई जाएगी। SP प्रशांत चौबे ने बताया कि मनोवैज्ञानिक को फुटेज दिखवा कर महाराज की मनोस्थिति पता की जाएगी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद महाराज का विसरा टिश्यू जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेज दिया है। हालांकि स्पष्ट है कि सुसाइड नोट उन्होंने लिखा है, फिर भी कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश करने लिए आधिकारिक पुष्टि को लेकर यह कार्य करवाया जा रहा है। महाराज से शादी करने को राजी नहीं थी डायर आयुषी। पुलिस डॉक्टर आयुषी की भी पुरानी जानकारी निकाल रही है। इसके लिए एक टीम भवनवर कुआं क्षेत्र स्थित परमहंस गर्ल्स हॉस्टल पहुंची और यहां के पूर्व मैनेजर सुनील जैन से बात की। डॉक्टर आयुषी PHD करने के दौरान इसी हॉस्टल में रुकती थी। यह बात भी सामने आई है कि महाराज से शादी करने से पहले डॉक्टर आयुषी की दोस्ती विवेक नामक युवक से थी। पुलिस विवेक को तलाश रही है। सूत्रों का कहना है कि डॉक्टर आयुषी पहले महाराज की अनुयायी थी। महाराज से शादी के प्रस्ताव को उन्होंने परिवार वालों के सामने खारिज कर दिया था। बाद में किसी दबाव में मान गई थीं। परिवार जैसा चाहेगा वैसा होगा विनायक। पुलिस सूत्रों का कहना है कि जांच अधिकारी ने सेवादार विनायक से बात की है। सुसाइड नोट में महाराज द्वारा उन्हें जिम्मेदारी दिए जाने पर विनायक ने कहा कि जैसा परिवार चाहेगा वैसा ही होगा। बताया जा रहा है कि इस संबंध में अधिकृत तौर पर उनके बयान होंगे, इसके बाद स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।